And BJP's Ravi Shankar Prasad is currently speaking. Let's listen in. अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता सक्रिय होते लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व परिवार के आगे देख नहीं पाता है समस्या यह है बट द सडन हाइपर एक्टिविटी ऑफ श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा इज अ टैसिट कन्फेशन ऑफ द फेलियर ऑफ राहुल गांधी एंड टू एन एक्सटेंट श्रीमती सोनिया गांधी ये मैं कहना चाहता हूं आज मुझे लखनऊ में उनको एक जवाब देना है अच्छा होता ये उत्तर हम देश में उठा रहे हैं पार्टी के मीडिया हेड के रूप में हमारे नेता सब देश में जहां रामेश्वर जी या बाकी मित्र पत्रकार परिषद करते हैं कि सोनिया जी राहुल जी बताएं कि देश में महंगाई क्यों नहीं कम हुई बेरोजगारी क्यों बढ़ी भ्रष्टाचार क्यों कम हुआ क्यों क्यों कम नहीं हुआ इसका उत्तर सोनिया जी राहुल गांधी नहीं दे रहे तो प्रियंका गांधी इसका उत्तर देते लेकिन प्रियंका जी ने अपनी सारी सक्रियता को अपने पति के बचाव में लगाया है तो आज मैं लखनऊ से प्रियंका गांधी वाड्रा से एक सवाल करना चाहता हूं प्रियंका जी आप और आपके भाई और आपके माता जी गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात बहुत करते हैं सवाल उठाते हैं बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद आपसे एक सवाल पूछ रहा है ये रॉबर्ट वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या है जरा इसका उत्तर दीजिए आप 2-3 लाख की पूंजी लगाकर 1-2 साल के अंदर 300 करोड़ रुपया कमाना ये कौन सा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है मैडम प्रियंका गांधी वाड्रा द कंट्री वॉन्ट्स एन आंसर फ्रॉम यू अभी हम देश के बेरोजगारी की बात कर रहे थे आपको मालूम है कि बीजेपी की ओर से एक चार्जशीट हमने निकाली थी इस चार्जशीट की कमेटी में मैं भी था हमने देश की इकोनॉमी के बारे में विस्तार से जिक्र किया है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी खराब है 4 पेज में हमने पूरे गवर्नमेंट डेटा डिप्टी प्लानिंग कमीशन नेशनल सैंपल सर्वे आरबीआई हैंडबुक इकोनॉमिक सर्वे कोई भी बीजेपी का डेटा नहीं है इसमें डाटा का स्रोत क्या है उसको लिखा हुआ है इसमें मैं बेरोजगारी की बात एक कहना चाहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जिसमें मैं मंत्री बनने का मुझे सौभाग्य मिला था 6 साल में हमने 6,70,00,000 लोगों को नौकरी दी 1,21,00,000 एवरी ईयर यूपीए सरकार में एक घसकर 22 लाख हो गई है और 10 साल में 1,54,00,000 लोगों को नौकरी मिली है क्योंकि इकोनॉमी डाउन है मैन्युफैक्चरिंग डाउन है वो चर्चा कभी बाद में करेंगे तो प्रियंका जी ये बताइए कि जब देश की बेरोजगारी बढ़ रही है जब देश की इकोनॉमी नीचे जा रही है जब देश का इन्वेस्टमेंट नीचे जा रहा है जब देश का मैन्युफैक्चरिंग -2% डाउन है तो वैसे में आपके पति का बिजनेस मॉडल इतना तेजी से क्यों चमक रहा है द कंट्री वुड लाइक टू हैव एन आंसर फ्रॉम यू हमारा स्पष्ट आरोप है कि यह बिजनेस मॉडल क्रोनी कैपिटलिज्म का टेक्स्ट बुक केस है जहां लैंड यूज के चेंज में एग्रीकल्चर को कमर्शियल यूज करने में चाहे वो हरियाणा की सरकार हो चाहे वो राजस्थान की सरकार हो इन लोगों ने उस समय की कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत की सरकार इन्होंने पूरा दुरुपयोग किया सारे शासन की शक्तियों का और जो ऑफिसर्स वो अशोक था ना क्या नाम था उसका अशोक खेमका ऐसे जितने पदाधिकारियों ने विरोध किया उनके खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई की गई तो हम प्रियंका गांधी वाड्रा को बहुत विनम्रता से बताना चाहेंगे हम उनके पति पर हमला नहीं कर रहे हैं उनके पति के क्रोनी कैपिटलिज्म को जबरदस्त कमाई करवाने के लिए जो उनके कांग्रेस सरकारों ने दुरुपयोग किया जब देश का नौजवान बेरोजगारी से बेहाल था तो वो एक राजनीतिक इशू है मैडम प्रियंका गांधी इट इज अ पॉलिटिकल इशू और उसका हम उत्तर चाहते हैं ये क्यों हुआ है मित्रों एक मुझे तीसरी बात जो कहनी है आज मैं दिल्ली का टाइम्स ऑफ इंडिया लेकर के आया हूं दिल्ली में एक खबर छपी है कि कांग्रेस पार्टी एक एडिशनल मैनिफेस्टो लेकर आ रही है जिसमें उसने माइनॉरिटीज के लिए बहुत बहुत बातें कही है
इसमें एक बात कही गई है कि हम दलित माइनॉरिटीज के लिए जबरदस्त कार्रवाई करेंगे। बीजेपी का इससे बहुत सैद्धांतिक विरोध है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन आज जब मैं उत्तर प्रदेश में हूं तो मुझे एक सवाल उठाना है। जब कांग्रेस पार्टी दलित माइनॉरिटी के राइट्स को देने की बात करती है तो इस देश के दलित यानी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के राइट सिर्फ नौकरियों के नहीं है, उनको लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार है एज दलित एज शेड्यूल कास्ट।